हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो सारे? अभी मैं टाइम दिखा देता हूँ। पहले 10:14 हो रहा है रात के, तो यहीं से नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। अभी जो है मेरा एक ब्लॉग अपलोड हो रहा है जो कि रिव्यू वाला है। पता नहीं मैं अपलोड कर दे रहा हूँ इसको, देखो चैनल पर लाइव कब करूँगा। मैं भी एक दो तीन चार हफ्ते बाद करूँ, अभी तो अपलोड पर लगाया हूँ। बस ब्लॉग एडिटिंग कर रहा हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई किया है मैंने आज, एंड या बस इतना है। और मिलते हैं कल सुबह में। तो बस रैंडम सा मूड बन गया कि मैं भाई स्टार्ट कर देता हूँ व्लॉग, तो स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, राम राम, कैसे हो सारे? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री राम। सुबह के 7:04 हो रहे हैं, 7:05 हो गया, और यह दिन की स्टार्टिंग कर चुका हूँ 6 बजे। मतलब जो मेरा मॉस्किटो नेट में लगा के रखा था उसमें इतना ढेर सारे मच्छर चुन चुन के काट रहे थे। चलो पहले मंदिर होके आते हैं, फिर कोई काम दूजा करेंगे। लेट्स गो। मंदिर से मैं आ गया। जो शशांक जो है मेरा आज जो व्लॉग आया है जिसमें मैं शॉपिंग कर रहा था पीटर इंग्लैंड में, तो उसमें शशांक मेरे साथ जब गया दोपहर को, तो उसको लू लगी, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरा इंटेंशन नहीं था कि वो वैसे जाए, बट वो डायरेक्ट मतलब टी शर्ट और लोअर में चला गया वो। बट यार उसको इतना समझ नहीं कि भाई एटलीस्ट गमछा चश्मा कुछ तो ले लें जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते, बट उसने नहीं किया। तो भाई आप लोग अगर गर्मी में बाहर निकल रहे हो, सनस्क्रीन और मतलब शील्ड उल्ड कुछ बना के निकला करो, हेलमेट जरूर लिया करो भाई। हेलमेट और हेलमेट के अंदर बाले के अलावा ठंडा रहता है, उससे काफ़ी ज़्यादा ठंडक। मतलब भाई एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी लंबी लंबी गर्मियों में राइड कर रखी है, मैंने हज़ारों किलोमीटर का रखा है, मतलब काफ़ी हज़ार किलोमीटर का मेरे पास एक्सपीरियंस है, तब मैं कह पा रहा हूँ आपसे। भाई मेरी बाइक मतलब 100-150 की स्पीड पर मेरे हवा से ऐसे शिफ्ट हुआ करती थी। मैं उस मतलब उस आंधी वाले तूफान में भी मैंने बाइक चलाई है, मतलब गर्मी के दिनों में। तो भाई साहब उस बेसिस पे मैं कह पा रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ गर्मी में हेलमेट के अंदर कपड़ा ज़रूर बांधा करो, और उसको ट्राई करना कि गीला करके बांधना। उससे होता क्या है, ज़्यादा गीला नहीं, हल्का बिट ऑफ गीला, उससे ठंडक बनी रहती है अंदर के अंदर। सो या अभी जो है मैं ब्रश कर लूँ थोड़ा सा। टाइम हो गया गाइस स्कूल जाने का, 8:25 हो रहा है, 8:30 पर रिपोर्टिंग टाइम है, भगते हैं स्कूल, आके मिलते हैं आपसे। और भाई देखो भाई, मम्मी का आज नाइटी का लास्ट है, आज खत्म हो जाएगा। आज के बाद से व्लॉग में गाइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं बस मतलब मैं जब से पैदा हुआ तब से वो नाइटी देख रहा हूँ, आज वो बचेगा नहीं। तो यार आज लास्ट क्लास था मेरा, एंड काफ़ी अच्छा लगा। चलो और थोड़ा सा फ्रेश होकर मिलता हूँ, भूख लगी, मम्मी खाना दे यार, और मुझे निकलना है काम से कहीं और, तो पहले खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। गाइस मैंने हेलमेट नहीं लगाया, बाकी सबको सिस्टम प्रॉपर बना लिया है। और यार सूरज आया है, निकलते हैं भाई सूरज के साथ। कहाँ जा रहे हैं चल के बताता हूँ, और कुछ बातें हैं जो सूरज को मैं ऑफ कैमरा बताता हूँ, फिर चलते हैं। यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका वीडियो अपलोड हो जाना, तो मेरा वीडियो अपलोड हो गया, तब तक के लिए टेंशन बना था, लेकिन अभी अपलोड हो गया है। भाई धूप में खड़ी है, मेरा जान जल रहा है वो धूप में खड़ी है। तो बाकी सब आते हैं तो निकलते हैं साथ में, मतलब ढेर सारे हम लोग लौंडे हैं या आ जाने सब कुछ, फिर निकलते हैं। विश्वजीत सर हैं अगवा, विश्वजीत सर, विश्वजीत सर अगवा हैं, टेम्पो से गए हैं। चल भगा के चल, सर भी मिल गए हमारे, सर भी बैठ गए। और पुरानी स्पीड बता देते नहीं, चलो चलो गाइस चलते हैं। सर भी दिन रात के बाइक पे हो गए, अब एक एक बाइक पे तीन, सर वाले पे दो, चलो लेट्स गो। एंड यार वी फाइनली रीच, कर चले कहाँ चबिया निकालते, वैसे ये सही लग रहा है बार एंड, नीचे किया था ना इसमें लड़ रहा है, इसीलिए ऊपर कर लिया फिर। अच्छा चलो आ गया, पीछे देखिए आ गया। पहले जो जिस दुकान से कपड़ा लेना उस दुकान पे आ गए, इन लोगों को लेना है मुझे नहीं लेना है, चेकआउट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है सबको वेस्ट कोट चाहिए, तो वो लोग निकलवाएंगे, पसंद करेंगे कलर, एंड या लेट्स ऑल। और कुछ तुम्हारा भाई ऐसा दिख रहा है मिरर में, इधर से दिख रहा है, सो फार सो वेरी गुड। जाते समय मैं हेलमेट किसी का, इन दोनों में से किसी का हेलमेट लगा के जाऊँगा, बिकॉज भाई बिना हेलमेट के मेरे से पॉसिबल नहीं हो रहा मेरे से बाइक चला पाना। भाई शादी में पहन के डांस करने वाला लग रहा है हमको, तो वही सभी पहन के डांस करेंगे। ये आ गया इनका वेस्ट कोट, जहाँ गए हम लोग वहाँ पे वाइड रेंज नहीं था उनके पास, थोड़ा सा ही लिमिटेड स्टॉक था, तो दूसरी एक दुकान पे जाते हैं और यहाँ से लेते हैं ढेर सारा।
मतलब मिल जाता है, अगर ढेर सारे स्टॉक मिल जाता है तो उसमें से चूज करके ले लेंगे। तो अब फाइनली इस दुकान पे हैं, यहाँ पे चेकआउट करते हैं और देखते हैं किसको क्या पसंद आता है। तो भाई आ जाने दीजिए हमें लॉन्डो को, हमें अटेंडेंस शीट लेकर चलो, तुम लोग चलो चलिए, हाँ चलिए इन लोगों को लेके चलिए, बाकी पता नहीं कहाँ है सब। आ जाओ ऊपर, हम भी चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या लेते हैं क्या नहीं। इनका ट्रायल रूम काफ़ी सही लग रहा है, एक एक करके दिखाएगा, और इनके पास कलेक्शन भी काफ़ी ढेर सारा है, एकदम मतलब शेरवानी वगैरह सब कुछ भर भर के रखे हैं। भाई साहब भाई निकाल के बतियाइए, ठीक रुको पहले आप इनके लिए निकालिए ब्लैक सूट, प्लेन निकालिए, प्लेन में हाँ प्लेन ब्लैक सूट दिखाइए, थ्री पीस दिखाइएगा, टू पीस दिखाइएगा, ठीक है निकालिए। तो भाई ये आदर्श के लिए, आदर्श ब्लैक ब्लैक चिल्ला आदर्श ब्लैक ब्लैक चिल्ला रहा था तो उसके लिए ब्लैक, उस पर शूट भी करेगा एक्चुअली, ब्लैक उस पर शूट करेगा। डीडी पे थोड़ा सा हो भाई, इंग्लिश ब्लू, ये ब्लेजर है, अच्छा ब्लेजर है, निकालिए ब्लू वाला, ये वाला ब्लू 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 लाइट ब्लू, हाँ मस्टर्ड येलो निकाल दीजिए भैया, एक एक लोग का ना दिक्कत हो, फिर उनको दिखा दे रहे, ये देखो तो वाइट में, हाँ ठीक है, लेकिन ये डिजाइन वाला तू मत ले, क्लासी नहीं लगेगा, चेक कर रहे हैं नहीं तेरे पे कलर सही नहीं है, बड़ा है कलर भी सही नहीं है तेरे पे, कलर मैं देख रहा था पानी लेके। आदर्श को ये काफ़ी सही लगा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग भी, और आप लोग बताओ आदर्श को ये कैसा लग रहा है, मतलब काफ़ी डुप कैसे लग रहा है, बेकार लग रहा है क्या, नहीं प्रॉपर लग, भाई ब्लैक ऐसा कलर होता है और वाइट ना जो तुरंत गंदा होता है, कहाँ रोज पहनना है, एक ही दिन तो पहनना है, फिर भी यार मस्त लग रही है, दिस वन इज लुकिंग डोप ऑन यू। सूरज पे ये सही लग रहा है, डार्क कलर है, सूरज अब शादी हो जाएगी इसी कोट पे, अब तेरी शादी भी होगी, घबरा मत, यस दिस वन इज लुकिंग फिनोमिनल, सही है भाई, इधर देख, ये जा तू भी ट्राई ले के आ, नहीं नीचे वाला, नीचे वाला हमेशा ओपन, एकदम भाई ये तो देखो भाई, ये कितना मतलब सेक्सी लग रहा है बंदा, लेकिन चप्पल चप्पल पे कुछ ज्यादा ही, चलो एक फाइनल करते हैं, इसका प्राइस क्या रहने वाला भैया, ठीक है एक फाइनल कर दो, हाँ कैमरा कहाँ लिखा है भैया, थोड़ा एक मिनट हमको, हाँ ये वाला सूरज को फिटिंग काफी सही आ रही है, धन्यवाद भाई, सही है तेरे पर, शेड सही है, डार्कर शेड, ठीक है चलो ये तेरा शेड सही है, जा एक बार ट्रायल ले ले, ठीक है वो बढ़िया उसका ये है जा ट्रायल ले ले, ठीक है शर्ट उसमें लगा हुआ आ रहा है, सही हो गई ये चीज़, तो सर छोटा पड़ा है शर्ट जो है, ये वाला कब जिसका यहाँ इधर देखना बस, हाँ तो तेरे लिए ये परफेक्ट है, डोप सो फार सो वेरी गुड, सुधांशु को 34 सही आ रहा है, एंड या तेरा भी सही आ रहा है भाई, 34 में आप कलर दिखाइए थोड़ा सा, 34 में कलर देखो उसको, 34 सही आ रहा है, ठीक है ना, हाँ ठीक है सुधांशु इधर देख, ठीक है चल बढ़िया। भाई साहब ये पूरा मतलब ये भर डाले हैं, मतलब इतने सारे लॉन्डो को इतनी सारी शॉपिंग, मतलब देखो गाइज क्या ही मैं बोलूँ अब, सो फार सो वेरी गुड, इट्स रियली डोप यार, मज़ा आ गया यार, ऐसी शॉपिंग मैंने पहले कभी नहीं की, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है बट ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कैसा नहीं था। बिग शाउट आउट टू भैया भाई जिनके शॉप है भाई, काफ़ी मतलब काफ़ी स्वीट है वो, अच्छा लग रहा है फ्रेम, मुझे बार बार इसमें देख रहा हूँ, डायरेक्ट पहले तेरे पे सही लग रहा है भाई, इस पर आप लोग बताओ इसको ये सही लग रहा है कि नहीं, मतलब मस्त लग रहा है, एक लाइक बटन दबा दो इसके नाम पे, चलो तेरे लिए भी वो फाइनल है भाई, एकदम भाई इसी पे तेरी शादी हो जाएगी ब्रो, है गलत कह रहा हूँ, चलो भाई सुधांशु के लिए वो फाइनल करते हैं, ऐ सुधांशु लॉक कर देना, तुम मत पहनो भाई, तुम नंगे आना, इतना मत सोचो, अब चलते हैं घूमने मेला इन सब के साथ, लेट्स गो। क्या भाई हम लोग जो है वहाँ से मेला में आए थे, मेला भी घूम लिए, मेला का भी वीडियो एक और कर लिया मैं, नाउ लेट्स गो घर चलते हैं भाई, काफ़ी मतलब गला सूख रहा है, जाते जाते इसके मोमोज खा के चलते हैं, ये अपन लोगों का मोमोज,
भाई सही है, नॉट बैड, काफ़ी सही है।